नेपोनसम मायोजी ने जापान का डिस्ट्रक्शन हिरोशिमा और नागासाकी वाला अपनी आंखों से विटनेस किया था। उसके बाद उन्होंने सोचा कि ऐसे वर्ल्ड पीस पगोड़ा पूरी दुनिया में कम से कम 100 होने चाहिए ताकि पूरे वर्ल्ड को पीस का संदेश दे सके। इसीलिए उन्होंने नेपाल में इस वर्ल्ड पीस पगोड़ा का निर्माण कराया, लेकिन कुछ दिनों बाद ही नेपाली गवर्नमेंट ने उसे तोड़वा दिया कल्चरल डिफरेंस की वजह से। हालांकि 1992 मई में नेपाली गवर्नमेंट ने फिर से इस वर्ल्ड पीस पगोड़ा का निर्माण किया और आज ये जगह पोखरा के हिल पे एकदम शांत से खड़ी है। आना बिल्कुल फ्री है, टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। जब भी पोखरा आओ नेपाल में घूमने के लिए, वर्ल्ड पीस पगोड़ा जरूर घूमना और एक काम और जरूर करें, हमें फॉलो एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।